मिलते हैं आज के मेहमान से जिनका नाम है रानो सूरी। नमस्कार रानो जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया, स्वागत है आपका रस्म रसोई में। थैंक यू। तो रानो जी, हमने सुना है कि आप कई किताबें लिख चुकी हैं, कुकरी क्लासेस लेती हैं। हाँ जी। तो क्या क्या करती हैं और किस कैसे टाइम मिलता है आपको इतने बिजी शेड्यूल में से सब कुछ करने का? बस मैं बिजी शेड्यूल तो खैर होता ही है, बट मैं पिछले 22 सालों से ले रही हूँ क्लासेस। क्लासेस, कुकिंग क्लासेस? कुकरी क्लासेस ले रही हूँ। एंड उसमें सारे खाने सिखाते हैं, लाइक उसमें इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, देन मुगलाई इज देयर, इटालियन, मैक्सिकन, देन आई टी थाई फूड, चाइनीज, सब देन सैलेड्स, बेकिंग, केक्स एंड ऑल। तो आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं राना जी? आज मैं स्टफ बेल पेपर बनाने जा रही हूँ। अच्छा। और ये इटालियन डिश है। इटालियन डिश है? हाँ जी। ओके। और हमारे पास अगर बेल पेपर्स ना हो तो क्या इसकी जगह हम नॉर्मल हरी शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं? हाँ जी, वो ले सकते हैं। ओके। थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आता है, लेकिन उसी तरह बन जाती हैं और उसकी रेसिपी भी वही रहती है। ओके। तो चलिए देखते हैं और हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। इसके लिए हमको चाहिए लहसुन है, आधा चम्मच लेंगे, एक प्याज बारीक कटा हुआ है, एक चम्मच अदरक लेंगे वो भी बारीक कटा हुआ है, और ये टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट, देन देयर इज सॉल्ट, नमक है, नमक, ये मिंस मिर्च कीमा, ये लैम्ब का भी ले सकते हैं, चिकन का भी, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है। ये बॉइल्ड राइस है, देयर इज पेपर एंड देयर इज पार्सले, आप इसमें ऑरिगेनो भी ले सकते हैं और इसमें आप वो बेसिल भी यूज, थाइम, व्हाटएवर, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन। और कुकिंग करेंगे हम इसकी ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में एंड वी नीड वाटर, पानी की जरूरत पड़ती है उसको मिंस को गलाने के लिए। ओके, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हाँ जी। तो इसके लिए हमें कढ़ाई आपने यहाँ पे रखी हुई है। हाँ जी। तो सबसे पहले इसमें, हाँ, सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालेंगे। ओके। एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 टीस्पून ऑफ ऑयल, बट इफ यू आर यूजिंग टेबलस्पून देन टेक 2 टेबलस्पून, दिस 5 ml एंड दैट इज 15 ml। अब तेल गरम हो गया है रानू जी। हाँ जी। अब क्या करेंगे? अब मैं सबसे पहले इसमें डालने जा रही हूँ गार्लिक, लहसुन डाल रही हूँ। ओके। एंड इसके बाद मैं डाल रही हूँ जिंजर, अदरक। अदरक, ठीक है। ये फाइनली तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है। हाँ जी। एक बार फिर ये चिपक जाता है तो फिर चिपकता जाता है, तो इसको पहले हल्का सा स्टर करेंगे हम। ओके। ना अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ प्याज, जो बहुत बारीक कटे हुए हैं। ओके। इसको ये हमारे पास एक प्याज जैसा आपने बोला था। हाँ जी, फाइनली चॉप्ड होना चाहिए। ठीक है। इसको हम सिर्फ 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वंस देयर क्रिस्प तो फिर वो फ्लोट करते रह जाते हैं। ओके। जस्ट देखिए, ये थोड़ा इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना। ओके। बस हल्का सा जैसे पेल इन कलर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें हम आई विल ऐड स्पाइसेस, बट जब स्पाइसेस डालते हैं तो हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ओके। ताकि ये ज्यादा वो पक नहीं जाए। ठीक है। नाउ आई विल ऐड, इसमें मैं डालूंगी पेपर, करीब आधा टीस्पून डाला। हाँ जी, हाफ टीस्पून ऑफ इट। एंड इसमें हमें डाल दूँ मिंस। ओके। और मिंस को हम कल, और मिंस है करीब हमारे पास यहाँ पे कितना मिंस होगा? जैसे 500 ग्राम लेना है आपने। ओके। एंड इसको अब हाई फ्लेम पर हम सौते करेंगे, विल कुक इट। ओके। एंड थोड़ा सा इसको हिलाते भी रहना चाहिए, देखो ये चिपक जाता है। ओके। थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने तक। हाँ जी, इसको पकाएंगे। ठीक है। वैसे ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है मीट। हाँ जी। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इसे पकने में। हाँ। बजाय कि हम अगर चिकन लेते या फिश मिंस लेते वो जल्दी पक जाता है। पक जाता है, लेकिन हम इसमें पानी डाल के इसको ढक लेंगे। अच्छा, पानी डाल के ढक देंगे, ढक लेंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। ओके। और खाने में थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए ये। ठीक है। देखो ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। ओके। अब ब्राउन हो गया, अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो का पेस्ट। टोमेटो पेस्ट। ओके। तो टोमेटो को हमने बस उसका जो छिलका है वो निकाल के उसे ब्लांच करके थोड़ा सा कुक भी कर लिए, ठीक कर लिए। ठीक है। नाउ आई विल पुट, इसमें मैं डालूंगी टोमेटो का पेस्ट, ये भी करीब 2 चम्मच। हाँ जी। और इसमें इसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट, नमक डालेंगे। नमक अब डाल देंगे। नमक स्वाद अपने टेस्ट के हिसाब से है, बट आई विल पुट 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट। ओके। या 1 teaspoon सॉल्ट। इसमें मैं डालूंगी पानी। हाँ जी, पानी इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप जितना पानी पड़ता है। ओके। अब इसको उबाल आने तक हम ऐसे ही पकाएंगे। एक बॉयल आ गया है। हाँ जी, अब इसमें ढक सकते हैं। हाँ, और धीमी आंच पे कर दें। हाँ जी, आस्ते आस्ते पकाएंगे। तो चलिए
इसको 5-6 मिनट हो चुके हैं। हाँ जी। अब इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। इसको देख लेंगे, ये अच्छी तरह अब गल चुका है। ओके। अब इसको तेज आंच पर पकाएंगे और इसको पूरी तरह सुखा लेंगे। अच्छा, इसको सुखा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि फिलिंग के लिए हमको एकदम ड्राई चाहिए। ओके। अब हम इसमें मिलाएंगे राइस, चावल मिलाएंगे। हाँ जी, चावल मिलाएंगे, पका हुआ राइस जो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, एक कटोरी। इसमें थोड़ा सा हर्ब भी डालेंगे, पार्सले। ओके। ऑलमोस्ट सूख चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सूख चुका है। इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी। अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इनको बेल पेपर के अंदर भर देंगे। ओके। और इसको ऊपर तक भरेंगे। अब अच्छा। इसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। ठीक है। और मैंने कुछ बेल पेपर भर के रखी हुई हैं। ओके। ये इस तरह। ओह अच्छा, तो इस तरह हम भर लेंगे। हाँ जी। तो अब कीमे का मिक्सचर हमने पहले ही भर दिया है ऊपर तक, जैसा आपने कहा। हाँ जी। और हमारे पास तीनों रंग के हैं, तो अब इसे बेक कर लें। हाँ जी, बेक करने अवन को हम पहले प्री हीट करके रखा हुआ है हमने। ओके। तो कितने टेम्परेचर पे हम इसे बेक करें? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 200 डिग्री पे, ठीक है। तो अब हम इसे बेकिंग डिश में डाल देते हैं। हाँ जी। तो इसे 200 डिग्री पे कितनी देर तक रखेंगे मैम? अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट तक। हाँ जी, ठीक है, 10 मिनट। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे अवन से निकाल लेते हैं। तो ये तो एकदम तैयार लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे से बन गए हैं, गल भी गई हैं और ब्राउन भी हो गई हैं। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। हाँ, इसको सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, काट के भी, जैसे भी, इसी तरह से भी इसको सर्व करते हैं। हाँ जी, इसको हम प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ हम डिनर रोल्स भी रख सकते हैं ताकि फुल मील हो जाए। ओके। एंड इसके साथ तो देखने में बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा है। तो ठीक है, तैयार है हमारा ये मल्टीपर्पज स्टफ्ड बेल पेपर्स विद मिंट्स। स्टफ्ड बेल पेपर बनाने के लिए आपको चाहिए तेल 2 चम्मच, कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 1 कटोरी, सफेद मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, कीमा 1/2 किलो, उबले हुए चावल 1 कटोरी, नींबू का रस 2 चम्मच। जानिए इस रेसिपी को बनाने की विधि। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें लहसुन, अदरक और प्याज डालकर भून लें, फिर इसमें सफेद मिर्च का पाउडर और कीमा डालकर पकाएं। अब इसमें टमाटो केचप और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें चावल और पार्सले डालकर स्टफिंग तैयार कर लें। इस स्टफिंग को बेल पेपर या शिमला मिर्च में भरें। आखिर में बेल पेपर को 220 डिग्री पर 10 मिनट तक ओवन में पकाएं। स्टफ्ड बेल पेपर तैयार है।